गर्मी तो बड़ी थी, शुक्र है कि कुछ मौसम अच्छा होगा, लेकिन गंद बड़ा पै जाता है कसम से। सारा गैरेज आज ही धुलवाया था, आज मैंने खुद वाइपर लगाया था, और अब ये आंधी आंधी कार हो गया साटा। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली स्टोरी देखी है तो अब आप लोगों को उसका जवाब मिल गया होगा। अब मैं उठी हूँ, मैं फ्रेश हुई हूँ, तैयार हुई हूँ। मैंने कहा कि बस इससे ज़्यादा नहीं रास्ता परेशान रहना, बाल जो है वो कल शैम्पू करेंगे, अच्छा सा हेयर मास्क लगाएंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। और बस आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ, ठीक है। ज़िंदगी इसी का नाम है, आना जाना, कुछ ना कुछ लगा रहता है, ठीक है। तो बस बहुत हो गया। अभी जो थे ना स्टिल दो यूनिफॉर्म की शर्ट्स नीचे गिरी हुई थी, मैं कहती पता नहीं मम्मा ने यहाँ पे क्यों रखे, मैंने उठा के ऊपर रखे। तो वही रील बिल्कुल रिलेटेबल है, ये मैंने सामने यूनिफॉर्म रखे हैं कि ऊपर ले जाना, ऊपर स्त्री के लिए रख देना। तुम सारे शटर लेकर आ रही हो, तुमसे ये नहीं लेके जाया गया। कल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि आप स्मूदी कैसे बनाती हैं। हाफ जो है वो सेब है और आधा जो है वो केला है, ठीक है। इसको आपने सिंपल इस तरह ब्लेंडर के अंदर आपने डाल देना जी, ठीक है। ये ड्राई फ्रूट पाउडर जो कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इसकी तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर दें, और जी साथ में एक गिलास ठंडा पानी। मैं दूध इसलिए नहीं डाल रही, जो लोग वज़न अपना कम कर रहे हैं जिनका मेरी तरह बड़ा हुआ है तो वो ये यूज़ करें, नहीं तो आप बच्चों को इसके अंदर दूध ऐड कर दें, लेकिन वेट कॉन्शियस जो है वो पानी ऐड करें। कोई चीनी नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालनी, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें जो है वो मीठी हैं,